मैं जिस आईपीओ के लिए वेट कर रहा था फाइनल वो आईपीओ आ चुका है दोस्तों। सबने बहुत दिन से वेट कर रहा था कब आएगा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ और बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिल सकता है ऐसा उम्मीद था। लेकिन दोस्तों अभी ग्रे मार्केट का जो प्राइस है दोस्तों उसको देखने का दोस्तों मेरे को रोने का मन कर रहा है। हम लोग सोचा था बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिलेगा लेकिन दोस्तों वो छोड़िए, अभी जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों उस आईपीओ का लिस्टिंग गेन कितना है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। अभी ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है दोस्तों उसको देखने में दोस्तों मेरा दिल खुश हो गया। मैं सोच रहा था होना चाहिए बढ़िया लिस्टिंग गेन, इसका जो प्रीमियम जो अभी ग्रे मार्केट का जो प्राइस है दोस्तों और जिस प्राइस बैंड को इशू हुआ है दोस्तों इशू प्राइस बैंड है उसका अंतर बहुत बड़ा अंतर है। लगभग 18% के आसपास प्रीमियम पे अभी ग्रे मार्केट में देखने को मिला, मतलब सोचिए कितना बड़ा लिस्टिंग गेन हो सकता है अगर मार्केट ऐसा रहेगा तो। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंदर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ इनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये जो आईपीओ अभी आया है दोस्तों इस आईपीओ के बारे में मैं आपके सामने डिटेल्स बात करने जा रहा हूँ। डिटेल्स मतलब दोस्तों इसका जो बेसिक अपडेट यहाँ पे है, फाइनेंस कंडीशन क्या दोस्तों, कंपनी का बिजनेस क्या दोस्तों और ग्रे मार्केट का प्राइस क्या दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रे मार्केट का प्राइस उसको देखने वाले दोस्तों आप भी बोलोगे वाओ ये आपको पहले क्यों नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से सबको दिल खुश करने वाला है दोस्तों ये आईपीओ अभी तक का जो अपडेट है दोस्तों, बाद में क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, अभी तक का जो अपडेट है उस हिसाब से मेरे को आज से ये आईपीओ सबका दिल खुश कर सकता है। चलिए डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात है दोस्तों, अगर आपको आईपीओ से ज्यादा पैसा कमाना है तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है दोस्तों तो आप एक आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, एक बिडिंग कर सकते हैं, एक मतलब एक दो तीन बिडिंग कर सकते हैं, मतलब तीन आपको तीन लॉट लेने का पावर आएगा, मतलब एक बिडिंग में आप तीन लॉट ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर आपका फैमिली में दो चार मेंबर है सबका नाम भी अगर एक डीमैट अकाउंट रहेगा जो आईपीओ में ज्यादा मौका रहता है उस आईपीओ में अगर आप सब डीमैट अकाउंट से पैसे लगाओगे दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन होगा तो बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन आप मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप कमा भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, मतलब आपका फैमिली सबके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवाना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप एक से डेढ़ दिन के अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कॉल पे गाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में उसको देख लेते हैं इस आईपीओ आपको करेगा मौका या देगा धोखा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फिर फाइनली आपके सामने आ चुका है कंपनी का डिटेल्स इनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। चलिए दोस्तों एक एक चीज मैं आपके सामने दिखाऊंगा जितना मेरे से हो सकता है। सबसे पहले इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ लिमिटेड बुक इशू प्राइस इशू देख लीजिए 650 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा का। चलिए अभी मेन चीज एक एक करके हम लोग देखने वाला है, जो यहाँ पे फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज पर शेयर का आपको फेस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस बैंड आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक लॉट में आपको 110 शेयर रहेगा तो आपको एक लॉट अगर आप लोगे तो 110 शेयर आएगा उसके अंदर। आप टोटल इशू साइज कितना होगा दोस्तों आप शेयर देख लीजिए इशू साइज, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेश इशू कितना होगा, फ्रेश इशू कितना होगा दोस्तों आपको फेस इशू शेयर देख लीजिए और कितने करोड़ का होगा। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे आप देख लीजिए कितना का, अभी यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया गया एम्प्लॉयर डिस्काउंटेड, अगर आप एम्प्लॉयर है तो आपको 13 रुपीज पर शेयर का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। वह दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए इनफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या बोल रहा है, टाइमलाइन दोस्तों आपको बोल रहा है ओपन प्राइस डेट 22 नवंबर आपको देखिए फ्राइडे आज नहीं है कल से ऑफिस का ओपन होगा, आईपीओ क्लोज डेट दोस्तों 26 नवंबर, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको 27 नवंबर, इनिशियल ऑफ रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपको रिफंड कब होगा 27 नवंबर, क्रेडिट ऑफ शेयर डिमांड है आपको डिमांड में शेयर कब जाएगा 28 नवंबर, लिस्टिंग डेट देखिए 29 नवंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया हो चुका है। अभी आप देखिए रिटेल रिटेल मिनिमम एक लॉट ले सकता है, रिटेल मैक्सिमम दोस्तों 13 का है दोस्तों, जहाँ पे उसका शेयर रहेगा 1313 का प्राइस इतना रहेगा, एस एच एन आई आपको 14 लॉट का आपको देखने को मिला प्राइस इतना होगा, एस एच एन आई मैक्स इतना, बी एच एन आई मैक्स इतना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन दोस्तों इंफ्रा देखिए इनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 116% दोस्तों कितना बड़ा बात है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लोज 110% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ मार्च 2024। देखिए ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा कंपनी का मॉडल क्या है। एसेट देख लीजिए दोस्तों, एसेट देखिए दोस्तों एसेट बहुत ही हद तक इंक्रीज हुआ जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इससे पहले कितना कर रहा था 761 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, अभी 812 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे एसेट के अंदर बहुत बड़ा बाउंस आपको देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिला, देखिए अच्छा रेवेन्यू था यहाँ पर थोड़ा सा
रेवेन्यू कम हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों पहले अच्छा था, उससे इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ है दोस्तों। नेट वर्थ हम लोग बात कर रहे थे इसका तो डेवलप हुआ दोस्तों। हम लोग उसके बाद बात करते हैं कंपनी का दोस्तों। रिजर्व ऑफ सप्लाई देख लीजिए दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है दोस्तों। बॉरोइंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है दोस्तों। चलिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए आरओई देख लीजिए 51.68%, सी भी देख लीजिए 32.34 का है दोस्तों। डेप्थ इक्विटी देखिए 0.8 का दोस्तों। उसका पार्ट मार्जिन भी आप देख लीजिए, पी बाई बी भी मार्जिन देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों, प्री आईपीओ ईपीएस और पोस्ट आईपीओ ईपीएस आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट बोलूंगा इसके बारे में, आपको कितना प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकता है जिसका उम्मीद अभी तक है, जो आपको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवायरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड बाय और नॉट, आपको बाय करना है या नहीं करना है दोस्तों, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आपको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए ब्रोकर्स, यहाँ पे रिव्यू दिया गया ब्रोकर दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे ब्रोकर ने अभी तक 3 ब्रोकर का यहाँ पे रिव्यू देखने को मिला है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का रेटिंग दिया गया, तो मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। क्योंकि दोस्तों क्यों दिया गया, इसके पीछे तो लॉजिक है, वो उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। क्योंकि इसको इसका लिस्टिंग गेन ज्यादा होने का उम्मीद बहुत सारे ब्रोकर का है, क्यों ज्यादा होने का उम्मीद है दोस्तों वो देख लेते हैं। चलिए सबसे बड़ा होता है ग्रे मार्केट प्राइस GMP, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी ने भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये चीज देखते हैं GMP कितना है, मतलब कितना बड़ा लिस्टिंग गेन का उम्मीद है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए सर GMP बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। देखिए दोस्तों लास्ट आज 21 तारीख है, 21 तारीख का GMP देख लीजिए दोस्तों। आईपीओ प्राइस है यहाँ पे आपको देखने को GMP 27 रुपीज का दोस्तों, जो लगभग 18% से भी ज्यादा का है, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। इसके चलते दोस्तों यहाँ पे देखिए 175 रुपया का लगभग हो रहा है दोस्तों। अब इशू प्राइस कितना आपको देखने को मिला था, इशू प्राइस से भी कितना ज्यादा ये आप देख लीजिए, लगभग 18% से भी आसपास। तो कुल मिला के इसका लिस्टिंग गेन हो सकता है अभी तक का जो कंडीशन है जिसे देख के आपको पता चल गया दोस्तों। अभी दोस्तों देखना दोस्तों, अभी तो लिस्टिंग का डेट अभी बाकी है, 29 तारीख इसका लिस्टिंग है दोस्तों। अभी इस टाइम के बीच अगर ग्रे मार्केट का प्राइस अच्छा खासा रहेगा तो वो आपको मालामाल कर सकते दोस्तों। पैसे लगाने से पहले आप एक बार अपने से एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपको लगता है यहाँ पे मौका है तो चौका मारिए, अगर आपको लगता है यहाँ पे मौका नहीं है तो चौका नहीं मारना है दोस्तों।